आ गए मास्टर की बेटियों की चाकरियां करके। क्या मतलब इस बात का? मतलब तो तुम मुझे बताओगे ना कि बार बार जलील होने के बावजूद भी वहां जाने का क्या मकसद है तुम्हारा? अम्मा मैं तुम्हें 1000 मर्तबा बता चुका हूँ और मैं क्या कहूँ। देखो ज्यादा मेरे साथ चलाकियां मत करो, जीने दो मुझे। जानते हो सारा मोहल्ला तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? मुझे नहीं सुनना कि मोहल्ला क्या बातें कर रहा है मेरे बारे में, और ना मुझे बताओ। जब इंसान बेदीद और बदलिहास हो जाते हैं ना, उसे कोई परवाह नहीं होती किसी की, और ना ही कुछ सुनने समझने का शौक। मैं तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं जब भी घर में दाखिल होता हूँ तुम एक ही बात लेके बैठ जाती, तुम्हारे पास कोई और बात नहीं मुझसे करने के लिए? देखो मेरी बात मान लो, सारी जिद खत्म कर। कौन सी बात मानो बताइए, आपकी कौन सी बात मानो? मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लो ना, सारे तराजा खत्म। क्या अभी जुमा 4 दिन हुए मुझे जॉब करते हुए और तुम्हें मेरी शादी की फिक्र होगी? कमाल। हाँ तो दूसरों पे लुटाने की इजाजत नहीं दे सकती, बीवी घर आएगी तो तुम्हें भी एहसास हो घरदारी का। जब मुझे शादी करनी होगी मैं कर लूंगा, अम्मा अभी नहीं करनी बस। और मैं किसी पे लुटा नहीं रहा, मास्टर साहब के घर वाले मास्टर साहब की तरह बहुत खुददार है, वो किसी का एहसान नहीं लेते, बस तू उनका पीछा छोड़ दे। तुम्हारी रोज की भाग दौड़, सारा सारा दिन गायब रहना और फिर रात को घर आकर एक एक तफसील बताना, गोलगप्पे और जलेबियां किसके बहाने से खाऊंगा। बस कर दो ना माँ, कब तक नाराज रहो? कमरे में बैठी है, जाकर मिल ले। क्या सोचेगी कि तुम मिलने नहीं आई? माँ मत कह मुझे, मर गई तेरी माँ तेरे लिए। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? घाटे का सौदा किया तूने हमेशा की तरह। कहाँ मैं तेरे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के लाने की कोशिश कर रही थी, और कहाँ इस फकीरनी से शादी करके उसे घर ले आया? क्या देगा इसका बाप तुझे? वो तो खुद दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा है, बेगैरत आदमी कहीं का, एक प्याली चाय खुद नहीं पी सकता वो। अच्छा नहीं किया तूने, ना अपने साथ ना मेरे साथ। पसंद है मुझे वो, प्यार करता हूँ उससे। और ये एक बात तो बताओ, पैसा कहाँ से आ गया बीच में? अल्लाह के कर्म से इतना है ना कि इज्जत से गुजर बसर हो रहा है। माँ हर वक्त पैसे मांग। कारून का खजाना छोड़ के नहीं मरा था तेरा बाप? इतनी मुश्किल से मैंने नईम को मनाया था इस लड़की से शादी के लिए, मेरे सारे किए कराए पे, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया तूने। लानत हो तेरी जैसी औलाद पे, अल्लाह करे तू भी मरे और तेरी वो होती सोती भी। कितनी मुश्किल से घेर के लाई थी नईम, कैसे आंखें मिलाऊंगी अब मैं नईम से और भाभी से? तो जरूरत क्या है वहां जाने की? ये जो तू नईम नईम करती रहती है ना, वो और उसकी माँ कीड़े मकोड़ों से ज्यादा अहमियत नहीं समझते हमारी। गुलदान ही टूटा था, क्या जरूरत थी थप्पड़ मारने की? थप्पड़ ही मार दिया। तो गलती किसकी थी? तेरी थी ना, उसके घर में खड़ा होकर उसकी बुराइयां कर रहा था। तो क्या करता, खामोश रहता, उसको बोलने देता, करने देता जो वो कर रहा है? ऐसे याद रखेगा सारी जिंदगी के थप्पड़ का बदला लिया कैसे मैंने। अरे बदला लेना था तो मेरू से शादी करता, फिर पता चलता उससे कि चोट होती क्या है। जो दुख जो चोट मैं उसके चेहरे पे देखना चाहती थी मैं तो ना देख सकी। माँ एक बार अबीर के सर पे प्यार से हाथ तो रख, तेरे पैर धो धो कर ना पिए ना मेरा नाम बदल देना। पैर धो धो के मैंने नहीं पिलवाने, चाटना है मैंने उसे, माल ही लेके आई तो। कितने पापड़ बेल के मैंने नईम की तलाक करवाई थी, तुझे क्या लगता है आसान काम था? ये मैं ही थी जो पता नहीं किस तरह कर गुजरी।
झूठ इल्जाम लगा रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं। आहिस्ता बात करो। किसके कहने में आखिर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जिंदगी कोई नहीं है, कोई भी कभी भी नहीं था। सबको गवाह बनाकर मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ।